सीतामढ़ी में जदयू महिला सेल के जिला अध्यक्ष को चप्पल का माला पहनाकर घुमाया। महिला सेल की जिला अध्यक्ष कामिनी पटेल की सरेआम पिटाई की गई और चप्पल का माला पहनाकर घुमाया। बिहार में नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा की पोल खोलती है तस्वीर। उनकी ही पार्टी के महिला सेल के जिला अध्यक्ष सुरक्षित नहीं। इतनी बेरहमी से पीटा गया कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। सीतामढ़ी से अशफाक खान की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में बदमाशों के हौसले पूरी तरह बुलंद है। सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया में जदयू महिला सेल की जिलाध्यक्ष कामिनी पटेल की सरेआम पिटाई की गई है। महिला जिलाध्यक्ष को चप्पल का माला पहनाकर सरेआम घुमाया गया है। महिला को इतना पीटा गया है कि वह बोलने की हालत में नहीं है और अस्पताल के बिस्तर पर कराह रही है। महिला सेल की जिला अध्यक्ष को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिस बिहार में नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं को हक और अधिकार देने की बात की जाती है, उस बिहार में उनकी ही पार्टी की महिला सेल की जिला अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में महिला कितनी सुरक्षित है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की महिला सेल की जिला अध्यक्ष के साथ ऐसी हरकत हो सकती है तो फिर आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा। इस दौरान बदमाशों ने महिला सेल की जिला अध्यक्ष को चप्पल का माला पहनाकर भी घुमाया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में लोग जिला अध्यक्ष को चोर चोर कहते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी भी इस मामले में यह साफ नहीं हो पाया है कि जदयू महिला जिला अध्यक्ष क्यों पीटा गया है। महिला कुछ बोलने की हालत में नहीं है। फिलहाल जदयू जिला अध्यक्ष बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती है। उनके साथ जो परिजन है वह भी कुछ नहीं बता रहे हैं। फिलहाल जदयू की महिला सेल के जिला अध्यक्ष की हुई पिटाई के बाद पूरे राजनीतिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मामला यही है कि फोन करके बुला करके इनको मारा गया है। कौन मारा है? वही संजय सिंह के घर पर। संजय सिंह के घर पे? मैडम कौन मारा आपको? ठंडा की ठंडा डू कहाँ हो? फोटो खींच रहा हूँ, फोटो खींच रहा हूँ। सीतामढ़ी में जदयू महिला सेल के जिला अध्यक्ष को चप्पल का माला पहनाकर घुमाया। महिला सेल की जिला अध्यक्ष कामिनी पटेल की सरेआम पिटाई की गई और चप्पल का माला पहनाकर घुमाया। बिहार में नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा की पोल खोलती है तस्वीर। उनकी ही पार्टी के महिला सेल की जिला अध्यक्ष सुरक्षित नहीं। इतनी बेरहमी से पीटा गया कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। सीतामढ़ी से अशफाक खान की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में बदमाशों के हौसले पूरी तरह बुलंद है। सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया में जदयू महिला सेल की जिलाध्यक्ष कामिनी पटेल की सरेआम पिटाई की गई है। महिला जिलाध्यक्ष को चप्पल का माला पहनाकर सरेआम घुमाया गया है। महिला को इतना पीटा गया है कि वह बोलने की हालत में नहीं है और अस्पताल के बिस्तर पर कराह रही है। महिला सेल की जिला अध्यक्ष को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिस बिहार में नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं को हक और अधिकार देने की बात की जाती है, उस बिहार में उनकी ही पार्टी की महिला सेल की जिला अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में महिला कितनी सुरक्षित है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की महिला सेल की जिला अध्यक्ष के साथ ऐसी हरकत हो सकती है तो फिर आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा। इस दौरान बदमाशों ने महिला सेल की जिला अध्यक्ष को चप्पल का माला पहनाकर भी घुमाया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में लोग जिला अध्यक्ष को चोर चोर कहते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी भी इस मामले में यह साफ नहीं हो पाया है कि जदयू महिला जिला अध्यक्ष क्यों पीटा गया है। महिला कुछ बोलने की हालत में नहीं है। फिलहाल जदयू जिला अध्यक्ष बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती है। उनके साथ जो परिजन है वह भी कुछ नहीं बता रहे हैं। फिलहाल जदयू की महिला सेल के जिला अध्यक्ष की हुई पिटाई के बाद पूरे राजनीतिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मामला यही है कि फोन करके बुला करके इनको मारा गया है। कौन मारा है? वही संजय सिंह के घर पर। संजय सिंह के घर पे? मैडम कौन मारा है आपको? ठंडा की ठंडा डू कहाँ हो? फोटो खींच रहा हूँ, फोटो खींच रहा हूँ।